टीआरपी की लिस्ट से बाहर हो गया है नागिन सिक्स। जी हाँ, क्या है पूरी अपडेट और टॉप 10 में अपनी जगह क्यों नहीं बना पाए तेजस्वी प्रकाश, आइए आपको बताते हैं इस वीडियो में। नमस्कार, मैं हूँ ज्योति पाठक और आप देख रहे हैं फीफा फोर्स। यूं तो नागिन सिक्स के काफी ज्यादा चर्चे हैं सोशल मीडिया पर, अगर आप जाके देखेंगे तो कुछ ना कुछ जो क्लिप्स हैं नागिन सिक्स के वो वायरल होते रहते हैं। और इनफैक्ट तेजस्वी प्रकाश का जो कैरेक्टर है कियारा का, उसका जो एक डायलॉग है इंस्टाग्राम पर, रील्स पर, हर जगह पर छाया हुआ है। सेलिब्रिटीज से लेके इन्फ्लुएंसर्स, हर कोई इस पर रील बना रहा है। तो काफी चर्चों में है, लोग जो ट्विस्ट आया है उस ट्विस्ट के बारे में भी बात कर रहे हैं, और एंट्रीज ले लीजिए, और जो लीप के बारे में बात हुआ है कि 20 साल का लीप लेने वाला है ये शो, इसको लेकर काफी ज्यादा बस बन गया है। लेकिन टीआरपी के मामले में ये शो कहीं ना कहीं कम नजर आ रहा है। कलर्स की अगर बात की जाए तो खतरों के खिलाड़ी नंबर 1 पर है टीआरपी की लिस्ट में, और सेकेंड नंबर पर ये शो नागिन सिक्स है। लेकिन ओवरऑल अगर मैं बात करूं तो नंबर 1 पर है अनुपमा एज ऑलवेज, फिर गुम है किसी के प्यार में सेकेंड नंबर पर है, थर्ड नंबर पर आपको बताना चाहूंगी रविवार विद स्टार परिवार ये है, फोर्थ नंबर पर ये है चाहते, फिफ्थ नंबर पर ये रिश्ता क्या कहलाता है, फिर सिक्स नंबर पर बन्नी चाओ होम डिलीवरी, सेवेंथ नंबर पर इमली, एट्थ नंबर पर खतरों के खिलाड़ी सीजन 12, फिर नाइन्थ नंबर पर भाग्यलक्ष्मी, और टेंथ नंबर पर है तेजस्वी प्रकाश का शो नागिन सिक्स। तो टेंथ नंबर पर अपनी जगह बनाई है इस शो ने, और पहले आपको बता दूं तो ये शो 8th या 9th नंबर पर था, लेकिन पीछे आ चुका है और 10th नंबर पर अपनी जगह बना लिया है। और ये देखने के बाद फैंस थोड़ा कहीं ना कहीं परेशान हो गए कि हम क्या कुछ करें कि ये शो टीआरपी में आगे तक आए, टॉप 5 तक पहुंचे, और फैंस को लगे हुए हैं अपना प्यार दे रहे हैं। इनफैक्ट मेकर्स जो हैं नागिन सिक्स के, वो भी इस शो को और इंटरेस्टिंग बनाने में लगे हुए हैं। आप क्या कुछ कहना चाहेंगे नागिन सिक्स को लेकर, तेजस्वी प्रकाश के कैरेक्टर को लेकर, कितना पसंद है, और इस टीआरपी की जो लिस्ट सामने आई है, अपनी राय कॉमेंट सेक्शन में लिख भेजिए, और देखते रहिए फीफा फूज इसी तरीके की अपडेट्स के लिए।